नमस्कार। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील के बाढ़ प्रभावित गांव चीलपुरा, बक्सपुरा, महतपुरा, भूड़ा, कठुमरा, कुनपुर, गोपालपुरा, टिकटपुरा, अंडवा पुरैनी का दौरा कर प्रभावित लोगों की स्थिति देखी और जिला प्रशासन को तत्पर उचित कार्यवाही कर चंबल के खतरे से निपटने के साथ साथ बाढ़ पीड़ितों के खान पान के ध्यान रखने के लिए कहा। पूर्व मुख्यमंत्री के साथ धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, भाजपा जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी, जिला प्रमुख डॉ. धर्मपाल सिंह, भाजपा नेता अशोक शर्मा, जसवंत गुर्जर, रानी सिलोटिया, जिला परिषद सदस्य पाचाराम बघेल, बबलू पोसवाल, मंडल अध्यक्ष नागवेंद्र चौहान, रामबीर शर्मा के साथ अन्य भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित रहे। धौलपुर राजस्थान के कोटा बैराज और काली सिंधु द्वारा चंबल नदी में छोड़े गए अतिरिक्त पानी के कारण धौलपुर में चंबल नदी उफान पर है। चंबल में पानी की आवक को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और हालात पर नजर रखी जा रही है। जिला कलेक्टर नेहा गिरी और जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा ने सोमवार को देर रात जिले के चंबल नदी से लगते गांव का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने चौकीपुरा, बड़ापुरा, बरेलापुरा, मोहनपुरा और आसपास के गांव का दौरा किया और वहां चंबल के जल स्तर में बढ़ोतरी के हालात का जायजा लिया। उन्होंने ग्रामीण से बात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। अवसर पर पंचायत समिति धौलपुर प्रधान देवेंद्र जादौन, विकास अधिकारी धौलपुर राजेश लवानिया सहित सरपंच, ग्राम सचिव इत्यादि अन्य अधिकारी और आमजन उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर द्वारा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा सेवा सप्ताह कार्यक्रम रखा गया है, जिसके तहत पूरे सप्ताह हर रोज अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन पार्टी द्वारा किए गए हैं। कार्यक्रम अनुसार आज वृद्धाश्रम जाकर फल वितरित कर मोदी जी का जन्मदिन मनाया गया और ईश्वर से उनकी लंबी आयु की कामना की गई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी, मीडिया प्रमुख महेश यादव, संभाग प्रभारी आईटी मुकुल कमतान, महामंत्री भाजुनो हरेंद्र सिंह राव, महेश कुशवाहा, विक्रम बघेल, रणवीर दंडोतिया आदि मौजूद रहे। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के शिक्षक संघ के जिला सम्मेलन के पोस्टर का विमोचन मृदुल कछावा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र वर्मा, उप पुलिस अधीक्षक सिटी, कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के जिला अध्यक्ष चंद्रभान चौधरी के द्वारा किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा ने एकीकृत टीम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षकों को विद्यार्थियों को अपना बेस्ट देना चाहिए और अपना कार्य पूरी लगन के साथ करना चाहिए। समाज में शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और शिक्षक संघ एकीकृत के सम्मेलन को लेकर अग्रिम शुभकामनाएं दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र वर्मा और उप पुलिस अधीक्षक सिटी व कर्मचारी नेता चंद्रभान चौधरी ने भी एकीकृत टीम को शुभकामनाएं और बधाई दी। पोस्टर विमोचन के अवसर पर रेखा शर्मा, मनीष पहाड़िया, गंगाराम गुर्जर, मनोज पोसवाल, मंगल मीणा, मनोज मीणा, नीतू अग्रवाल, सुशीला, टीकम सिंह जाट, मुकेश शर्मा, दिनेश सक्सेना आदि मौजूद रहे। डेजी शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, चंबल प्रभा न्यूज, धन्यवाद। जिले में बहने वाली चंबल नदी का रौद्र रूप लगातार विकराल होता जा रहा है। ऐसे में जिले के अब तक दर्जनों गांव चंबल के पानी में प्रभावित हो गए हैं। जहां राहत एवं बचाव कार्य जारी है, वहीं जिला प्रभारी सचिव अभय कुमार कल देर शाम धौलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन से फीडबैक लेते हुए आज सुबह से ही मोर्चा संभाल लिया। चंबल पुल और चंबल से घिरे विभिन्न गाँव का प्रभावी अचीव ने दौरा किया और प्रशासन को उचित कार्रवाई के लिए भी निर्देश दिया है। अभय कुमार के अनुसार जहाँ जहाँ पानी ग्रामीण क्षेत्रों में घुसने की सूचना मिली है, यहाँ जहाँ पानी घुसने की संभावना है वहां वहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है और राहत एवं बचाव कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। अभी चंबल का ये रौद्र रूप और विकराल हो सकता है, जिसको देखते हुए भी पहले से ही तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें किसी प्रकार की अनहोनी ना हो सके और उससे बचा जा सके। सभी स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। वहीं जिला प्रशासन डांग क्षेत्र पर विशेष नजर बनाए हुए है। सभी ग्रामीणों को सचेत रहने के लिए चंबल के नारे न जाने की सलाह दी गई है।